दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पे जो इनर एचटीएमएल है प्रॉपर्टी, ये किस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है और ये एचटीएमएल को कैसे मैनिपुलेट करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनर एचटीएमएल जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये काम क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कोई ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि कहीं पे भी कोई इवेंट अगर फायर होता है, इवेंट इन द सेंस ये कि कोई आपने बटन क्लिक किया या फिर जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है उसी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वो टेक्स्ट चेंज होके कुछ और हो जाए। या फिर अगर मान लीजिए कोई आपने एक बटन बनाया, जैसे कि रजिस्टर एक बटन बनाया, जैसे आप उस पर क्लिक करें तो एक एचटीएमएल का पूरा फॉर्म लोड हो जाए, पूरा पूरा फॉर्म दिखाई दे। तो यानी कि अगर आपको डायनेमिक एलिमेंट यहाँ पे जनरेट करवाना है, जैसे वो फॉर्म हो गया या फिर कोई भी इमेज हो गया या कुछ भी हो गया, एचटीएमएल एक डायनेमिक फॉर्म में बनाना है, तो वो आप इनर एचटीएमएल के थ्रू आसानी से जनरेट करा सकते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डायनेमिक एचटीएमएल कंटेंट को अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक पैराग्राफ लेता हूँ, क्योंकि मैं उसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, उस पैराग्राफ की वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो। देखिए कैसे, और ये हम करेंगे इनर एचटीएमएल जो अपना प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी हेल्प से। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ लिया, ट्यूटोरियल 007, ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे आईडी और क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे P1, और मैं चाहता हूँ कि इसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक हो, क्योंकि मैं अलग से यहाँ पे बटन नहीं बनाना चाहता। आप जिसके ऊपर भी चाहे क्लिक का काम करवाना चाहते हैं तो सीधा आपको यूज करना होगा ऑन क्लिक इवेंट। तो ये पैराग्राफ है, H1 है, या फिर सीधा सीधा बटन है, किसी के अंदर भी अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो मतलब उस चीज का ये क्लिक इवेंट हो गया, क्लिक इवेंट ये हो गया। तो इसका मैं नाम यहाँ पे देता हूँ सेम, यही नेम दे देते हैं, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे, और सेम यही नेम को आपको यहाँ पे यूज करना होगा। मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट इसको कर देता हूँ और यहाँ पे कॉलिंग का साइन लगा देते हैं। फिर उसके बाद से ये मैंने ट्यूटोरियल 007 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये यहाँ पे क्लिक होगा तो जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये ट्यूटोरियल 007 लिखा हुआ है, अब ये क्लिक होने के बाद होना चाहिए वेलकम टू ट्यूटोरियल 007, या फिर कुछ और भी अगर आप कराना चाहते हो वो करा सकते हैं। तो अभी बताता हूँ मैं और भी चीजें, अगर डायनेमिक जनरेट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गेट करना होगा, जिसको भी हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी से हम करते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा। तो गेट एलिमेंट बाई आई डी, और यहाँ पे हम आई डी पास कर देंगे। तो आई डी हमने यहाँ पे क्या दिया है, P1, तो ये हम P1 यहाँ पे पास कर देंगे। और इनर एचटीएमएल का रोल यहीं पे आ जाता है कि मतलब अगर हमें किसी भी चीज को रिप्लेस करना है, या फिर जैसे ये पता कर लिया कि भाई किसको हम यहाँ पे ढूंढने जा रहे हैं, तो ये P1 आईडी को ढूंढेगा। तो P1 आईडी यहाँ पे मिल गई। अब हम उसके जो इनर एचटीएमएल है, यानी कि उसका जो भी टेक्स्ट है, वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो ये चेंज वाला काम करता है इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इनर एचटीएमएल के थ्रू ही हम किसी भी टैग के जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या फिर डायनेमिक कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि कहाँ पे जनरेट करवाना है और क्या करवाना है, वो ये काम कर देगा। तो अब जो भी वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे वो सीधा सीधा इसको रिप्लेस कर देगा, इसकी वैल्यू को। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम टू ट्यूटोरियल 007, अगर मैं ये कर देता हूँ, फिर इसके बाद से इसको हम सेव करते हैं और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ या फिर रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा। अब मैंने इस पे लगाया कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वेलकम टू ट्यूटोरियल 007 होना चाहिए। तो देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हो गया वेलकम टू ट्यूटोरियल 007। तो ये हो रहा है इनर एचटीएमएल की हेल्प से। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अभी तो हमने टेक्स्ट यहाँ पे चेंज किया है, लेकिन अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये क्या होगा, ये जो अभी तो नॉर्मल ही आ रहा था, ये देखिए अभी ये नॉर्मल आ रहा है, हम चाहते हैं ये हेडिंग की तरह दिखाई दे। तो जो हमारा H1 एलिमेंट होता है ये हेडिंग के लिए होता है। अगर आपको HTML नहीं पता तो आप हमारे HTML सीरीज को देख सकते हैं, ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि HTML के अंदर क्या क्या टैग्स और कैसे होते हैं।
मैंने यहाँ पे H1 लगा दिया। अभी देखिए जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये हमारा पुराना है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये H1 यहाँ पे रेंडर हो गया, आ गया। तो हम यहाँ पे इसको डायनेमिक जनरेट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी इवेंट के थ्रू पे उस समय जब रिक्वायर्ड है तब हम जनरेट कर रहे हैं। आप कुछ भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं, यानी कि जैसे ये क्लिक होगा तो यहाँ पे इमेज ये आएगा। आपने बहुत सारी वेबसाइटों पर देखा होगा कि मान लीजिए कूपन कोड के लिए किसी ने वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पे अगर वो लिखते हैं बटन एक बना के रखते हैं कि क्लिक हियर टू शो द कूपन कोड, तो जैसे वो क्लिक करते हैं तो फिर कूपन कोड आता है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी आप ऐसे लगा सकते हैं, ये चीज आप यहाँ पे लिखिए और जो कूपन कोड है आप यहाँ पे लिखिए। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इस तरीके से था, अगर डायनेमिक जनरेट करवाना है हमें तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो इनर HTML प्रॉपर्टी है किस तरीके से काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।